हेलो स्ट्रेंड्स वेलकम वंस अगेन कैसे हो सब लोग सभी लोग ज्वाइन करें दोस्तों चलिए कैसे हैं सब लोग बढ़िया हैं ई पी एम आर सी जेई के लिए स्पेशली आज सेशन रहेगा हमारा ठीक है ना आर आर बी जेई का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सभी लोगों के लेक्चर लाइव लेक्चर इसमें चल रहे हैं ठीक है सी बी टी वन के लिए अभी फोकस किया हुआ है सी बी टी टू पर हम आएंगे ही अगले हफ्ते से ठीक है चलिए फिर देर नहीं करते क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है चलो द फॉलोइंग डेटा वर obtained फ्रॉम द लिक्विड लिमिट टेस्ट कंडक्टेड ऑन द soil सैंपल देखिएगा लिक्विड लिमिट टेस्ट जो हम करते हैं तो कैसे ग्रांडे अपरेटस से करते हैं कैसे ग्रांडे अपरेटस कभी कभी पूछा जाता है आपसे कैसे ग्रांडे अपरेटस कि इससे निकालते क्या हैं तो इससे लिक्विड लिमिट निकाला जाता है ठीक है सॉइल की लिक्विड लिमिट निकालते हैं इससे ठीक है लेकिन सवाल ये होता है कि लिक्विड लिक्विड निकालते हुए हम क्या देखते हैं कि 25 नंबर ऑफ ब्लो पर जो लिक्विड जो परसेंटेज रहेगा मतलब कि जो पानी की क्वांटिटी रहेगी वाटर कंटेंट रहेगा वाटर कंटेंट अगर नंबर ऑफ ब्लो आपने जो 25 दिए जो ऐसा बॉल ऐसा कटोरी नमा शेप होता है वो कौन उस कौन को स्ट्राइक करेंगे ऐसे ऐसे कम से कम पच्चीस नंबर ऑफ ब्लो देंगे उसमें उसी नंबर ऑफ ब्लो में जो एक परफेक्ट फेस जिस जिस जगह जितने पर आपने वाटर कंटेंट डाला होगा उस पच्चीस नंबर ऑफ ब्लो पे उसी को कहा जाता है एक्चुअली में लिक्विड लिमिट तो जिन लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया होगा पता भी होगा आपको कि पच्चीस नंबर ऑफ ब्लो पर ही जो आपका वाटर कंटेंट होता है यही कहलाता है लिक्विड लिमिट इसी को कहेंगे डिस्ट्रेंट ऑफ वाटर इसी वाटर कंटेंट को कहेंगे आप लिक्विड लिमिट ठीक है सिक्सटी वन पॉइंट नाइन देख तो रहे ना आप देख पा रहे हैं पच्चीस वाले पे चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं इट्स पोरोसिटी बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है कि वन माइनस एन एन का फॉर्मूला अच्छा वाइड रेशियो दिया है तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई का फॉर्मूला है ई e जो है दिया है जीरो पॉइंट फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव दैट मीन्स वन अपॉन है ना तीन पज पंद्रह हो जाएगा वन फाइव बाई फिफ्टीन फाइव बाई फिफ्टीन तो वन बाई थ्री दैट मीन्स द जीरो पॉइंट थ्री थ्री इन टू हंड्रेड कर देना वहाँ पर थर्टी थ्री परसेंट आ जाएगा टफनेस इंडेक्स ऑफ द क्ले टफनेस इंडेक्स ऑफ द क्ले टफनेस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो टफनेस इंडेक्स को हम निकालते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी अपॉन आई एफ फ्लो इंडेक्स है ना फ्लो इंडेक्स एक्चुअली में फ्लो इंडेक्स क्या होता है दिस इज द स्लोप स्लोप ऑफ द्लोपर स्लोप वर्स स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज द लाइन ड्रा बिटवीन द कर्व वर्सेस द लिक्विड लिमिट एंड नंबर ऑफ ब्लो ये होता है वो इस तरह से आपको याद होगा ठीक है ना नंबर ऑफ़ ब्लो ज़्यादा देंगे अगर आपको लिक्विड लिमिट कम करनी है याद आ रहा है कुछ आई एफ इज इक्वल टू हाँ सर आ रहा है क्ले मटीरियल स्लोली रिकवर्ड विदर्टी गो एंडर्मल जेल टू जेल जेल टू सॉइल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एजिस्टेशन एंड सब्सिक्वेंट रेस्ट इन टर्म्स एज कितने लोग समझ पा रहे हैं इसके कहानी को एक्चुअली में क्या है ये कहना चाह रहा है कि आपके कोई सॉइल होगा मैंने कई दफ़ा आपको बता रखा है ये जो सॉइल आपकी अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है ये किसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही ये लूज ये डेंस होगी अभी आपकी इसको अगर आप डिस्टर्ब करोगे ये रिमोल्डेड होगी इसको रिमोल्डेड बोल देंगे आप मतलब कहीं पर बाहर लाए आप इसको और यहाँ पर आपने कर दी अभी बाहर आएगी ये सॉइल तो ये एक्सकेबेशन के बाद जब बाहर लाओगे तो इसमें एयर एक्यूपाई करेगी वॉइड्स में तो इस एयर स्टैंड लूज करनी शुरू कर देगी थोड़ा थोड़ा के ना लूज हो जाएगी उस दौरान लेकिन इसको ऐसे ही ऐसी कंडीशन में छोड़ दो अगर आप कुछ ना करो इसमें तो आपका ही धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गोन गेन करने लगता है डेंसीफाई होने लगता है जेल टू जेल उसमें पोर्स जो है फिल होने लगते हैं खुद के वेट के कारण और जैसे ही आपका सीयर स्ट्रेंथ पहले लूज हुआ था और उसके बाद आपकी सीयर स्ट्रेंथ गेन हो रही है इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों थिक्सोट्रॉपी इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम थिक्सोट्रॉपी यही प्रक्रिया कहलाती है थिक्सोट्रॉपी

चलेगा बर्नुली इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ एक्चुअली में बर्नुली इक्वेशन क्या होती है किस पे डिपेंड करती है एक्चुअली में दिस इज द प्रिंसिपल दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो हम कहेंगे ये जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कंजर्वेशन ऑफ मास पर कंटिन्यूटी इक्वेशन काम करती है लीनियर मोमेंटम नहीं आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम ठीक है मोमेंटम के प्रिंसिपल पर आपकी मशीन हाइड्रोलिक मशीन होती है वो ये वो काम करती है टरबाइन पिटॉर ट्यूब के बारे में बताओ भाई पिटॉर ट्यूब आपने सुना जरूर होगा ट्यूब हो रही है दोस्तों बताओ पिटॉ ट्यूब के बारे में जरा बताओ क्या होता है क्या कहोगे हैं ट्यूब तुम्हारा डायनेमिक प्रेशर करता है टोटल प्रेशर करता है स्टैटिक प्रेशर करता है तो हम कहेंगे कि सर एक्चुअली में देखा जाए ध्यान से जवाब करना है इस पर सोच समझ कर जवाब करना स्टैटिक प्रेशर ऑफ अ फ्लूड फ्लोइंग हाँ एग्जैक्टली exactly हमें पता है विलोसिटी मेजर करता है लेकिन स्टैगनेशन प्रेशर उसको कहा जाता है उसको भी डायरेक्टली हम मेजर कर पाते हैं इस बात को भी ध्यान रखिएगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन का एक क्वेश्चन आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसे ही आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते ही आपको एक पिक्चर याद आ जाती है जिसका नाम होता है गदर गदर जिसमें सनी देवल इसी पंप को तो उखाड़ता है इसी पंप को उखाड़ता है तो उस पंप का ही तो काम होता है इसका हेड तो हाई होता है लेकिन डिस्चार्ज होता है कम जैसे कि आपका हैंड पंप जैसे कि हैंड पंप जैसे कि आपका हैंडप तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है पिस्टन लगा होता है उस पर पानी को सक करेगा फिर रोकेगा फिर रख करेगा तो मतलब कि हेड तो बहुत होता है ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे से निकलता है लेकिन डिस्चार्ज काफ़ी कम होता है इसीलिए तो इसको कहा जाता है खोदा पहाड़ और निकला चूहिया है <laughs> तो हम कहेंगे लो डिस्चार्ज बट हाई हेड कोई जवाब करने वाला हाया हो विद्यार्थी डी किया किसी ने ठीक है समझ गए बात को ओके वेरी गुड

जीरो पॉइंट फाइव फाइव अच्छा किसी को फार्मूला याद है क्या क्रिटिकल वेलोसिटी. भूल गए सर हम हैं एम इन टू वाई है और इससे पहले आप लिखते थे यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव फाइव जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम वाई टू पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर दोस्तों ये है याद भी है नहीं है यहाँ पर एम का वैल्यू उसने गिवन दिया हुआ है यहाँ पर आपका एन का वैल्यू वन अपन एन कर देना उसको ठीक है चलिए पहले आप जवाब करो तो गुड इवनिंग टू तो ऑल ऑल सभी को गुड इवनिंग भाई क्लास को शेयर जरूर करता रहें को क्लास में भी जरूर रहा करें कम रहोगे तो मुझे खुद नींद आती है अच्छा फार्मूला बताओ कोई यार किसी को फार्मूला याद हो तो कब ना मारो सेवन एट फोर तो कब मार रहे हो हाई लेवल का है बताओ जल्दी से बताओ देर नहीं करनी है सर फॉर्मूला भूल गए हैं सर मैनिंग कॉपीशेंट आपको लेशी थ्योरी कैनडी थ्योरी कुछ पढ़ी है हाँ आंसर सही है सभी ने आंसर सही मारा है तुक्का कीरो पॉइंट जीरो सेवन एट फोर कोई है ऐसा जो बता पाए मुझे याद नहीं आ रहा है सर याद करो यार कैसी बात करते हो यार पांडे जी याद नहीं आ रहा है सर ये कौन सी बात हुई अच्छा चलो कल के भी कुछ क्वेश्चन हैं मैंने रखे हुए कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके कल के ही मैंने रखे टेंशन न लेना ठीक है जिन लोगों का असिस्टेंट मैनेजर वाला भी पेपर है ठीक है ना उनको भी फायदा करेगा आज का सेशन ओके आशीष ठाकुर जी ने सही जवाब किया है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सही जवाब किया है जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम वाई टू पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर एग्जैक्टली ठीक है यही है जी सही जवाब क्या है जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम वाई टू पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर ठीक है तो रख देना इसमें एम का वैल्यू दे रखा है वाइड डेप्थ का वैल्यू दे रखा है सर इसका काम क्या है फिर इसका कोई काम नहीं था यहां पर ठीक है जबरदस्ती कंफ्यूज के लिए दे रखा था हाँ uh, ठीक है समझ गए आगे बढ़ता है आगे बढ़ रहे हैं स्टेबल चैनल इज टू बी डिजाइन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द क्यू क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड विद एफ लेसीड द्लोलिटी और आप सब लोग तो जानते ही है क्यू एफ स्क्वा इनमें से बताओ भाई कौन सा आंसर है देखिएगा ये तो है नहीं वैसे भी इन दोनों में से है इसको भी हटा देता हूँ मैं क्यू एफ स्क्वायर अपऑन वन फोर्टी होता है या वन बाई थ्री होता है क्या बोल रहा है विदाउट कैलसी अच्छा लेसी मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ एलोवेल चैमल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डियर स्टूडेंट देखेगा लेसी मेथड का दिमाग में ध्यानना है आपको वेटेड पैरामीटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सिल्ट फैक्टर वेटेड पैरामीटर डिग्रीज एज एन इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज वेटेड पैरामीटर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर फैक्टर का कोई संबंध नहीं है पैरामीटर से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली पहला ही ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो वहीं से आपका आंसर आ जाता है कैसे पहला आंसर को देखा जाए तो वेटेड पैरामीटर इन द थ्योरी ऑफ द लेसी द पैरामीटर इज कैलकुलेटेड बाय 4.75 अंडर रूट ऑफ द क्यू क्यू इज द डिस्चार्ज देन वी कैन से दैट द पैरामीटर या वेटेड पैरामीटर इज द डायरेक्टली परपोर्शनल टू डिस्चार्ज ऑफ द Flow. तो वन ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही हो जाएगा फाइव डे बीओकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बीओडी अल्टीमेट बीओडी यू। स्टैंडर्ड फाइव डे बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल इज नियरली एक्स परसेंट ऑफ द अल्टीमेट बीओडी अल्टीमेट बीओडी का कितना परसेंट हम लेके चलते हैं फाइव डे बीओडी है ना ये देखो समझ रहे बात को हाँ उस लेवल से थोड़ा सा बाहर आ गया तो 68 परसेंट हम मान के चलते हैं अल्टीमेट बीओडी तो मतलब होता था लास्ट बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेकिन बीओडी फाइव जो होता है पाँच दिन का जो होता है जो हम लेते हैं स्टैंडर्डली क्वेश्चनों में तो वो हम लगभग कितना लेते हैं दोस्तों सिक्सटी लेते हैं फिफ्टी एट सुना भाई कहाँ सुना तुमने फिफ्टी मुझे बताओ इस सिविल इंजीनियरिंग की सुनामी आप ही हमारी कश्ती हो सर गजब भाई साहब सिक्सटी एट परसेंट ओके सिक्सटी एट फिफ्टी एट नहीं है जी भाई मैंने कई बार बताया ये ऑर्डर कई बार पूछा जाता है कि आपका एक आता है थियोटिकल ऑक्सीजन डिमांड टी एच ओडी है ये उसके बाद आता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD आता है है ना उसके बाद आता है आपका BOD अल्टीमेट और उसके बाद लास्ट में आता है BOD और एक TOC भी आता है टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है ना BOD ये वाला नॉर्मल वाला तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों विटामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन होता है एक आपका तार होता है तो विटामिन को कहाँ से डिराइव करते हैं? दोनों चीजें अलग हैं अगर मैं बात करूं विटामिन की तो बिटमिन आपका डिस्ट्रक्टिव होता है या क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है एक होता है फ्रैक्शनल मतलब कि फाइन उसको बहुत ज़्यादा रिफाइनरी किया जाता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव तोड़ फोड़ करके या इस तरह से या मिक्स करके है ना तो वो होता है आपका दो शब्द होते हैं डिओस्ट्रेंट जब हम बात करते हैं the, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ दी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ दी वुड लकड़ी तो वही बनाता है आपका तार और जब हम लिखते हैं कि जब आपका डिस्ट्रक्टिव सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम तो ये आपका क्या होता है दोस्तों ये आपका बिटमिन होता है ये होता आपका बिटमिन ये होता आपका बिटमिन तो आपके पास सी ऑप्शन था सी ऑप्शन था ठीक है ना गलत तो नहीं किया किसी ने वेरी गुड रिड्यूस बियरिंग ऑफ अ टेन मीटर लॉन्ग लाइन इज दी नॉर्थ थर्टी डिग्री ईस्ट द डिपार्चर ऑफ़ द लाइन विल बी डिपार्चर ऑफ़ द लाइन मैंने कई दफ़ा आपको बता रखा है डिपार्चर और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट मैंने क्रिस्टली क्लियर करा हुआ है आपका अगर आप हर दिन क्लास में रहते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखी हैं सारी बातें है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया था कि ये वाला कॉर्डिनेट होता है प्लस प्लस का ये होता है दोस्तों प्लस और माइनस का एक्स और वाई का खेल है एक्स और वाई के खेल की वजह से हम कहते हैं इसको माइनस और माइनस का इसको कहते हैं सर माइनस और प्लस का कैसे हो रहा है ना एक्स वाई की वजह से हो रहा है ये एक्स का पॉजिटिव वाला एक्सिस ये एक्स का नेगेटिव वाला एक्सिस इस वजह से हो रहा है ये वाई का पॉजिटिव वाला और ये वाई का नेगेटिव वाला चलो दोस्तों कोई लाइन होगी आपकी नॉर्थ थर्टी डिग्री ईस्ट है मतलब कि ये इस क्वाड्रेंट में होगी क्योंकि नॉर्थ से आप गए होंगे और 30 डिग्री पर तभी आए होंगे अब ये जो लाइन है ए बी लाइन इस लाइन की दूरी जो कहा गया है ये 10 मीटर है दोस्तों वेरी गुड तो ये नॉर्थ हम इसको कह देते हैं चलो ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया तो नॉर्थ और साउथ वाले प्रोजेक्शन में हम सब लोग जानते हैं हम सब लोग जानते हैं कि लेटीट्यूड यही तो है ये नॉर्थ साउथ वाले जो लाइन का प्रोजेक्शन है यहां पर ये ये होगा दोस्तों लेटिट्यूड एल लिख रहा हूं और इस लाइन का प्रोजेक्शन साउथ सॉरी ईस्ट से वेस्ट वाली लाइन पर जो होगा ये ये होगा दोस्तों डिपार्चर अब बेटा ये हमारा बेस है ये क्या है बेस है तो बेस पर क्या होगा यहीं से एंगल बना रहे हैं, तो ये इतना जितना होगा उतना ही ये भी होगा तो ये लेटिट्यूड ये होगा मतलब कि ये लेंथ होगी आपकी तीस कॉस्ट ठीठा हो जाएगा और अगर हम देखें तो ये हाइपोटेनियस है प्राइपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा सर डिपार्चर एल मतलब की तीस साइन ठीठा गजब हो गया सर डिपार्चर बोला गया था तो डिपार्चर दैट इज इक्वल टू थर्टी साइन कितना डिग्री है जी तीस डिग्री है साइन थर्टी का मान रखो आराम से निकल जाएगा दस तारीख से शनिवार से देवेश दास दस, दस तारीख से हो रहा फाउंडेशन कोर्स जो है दस से प्रोबेबल दस से है दस मीटर हो जाएगा ना ये ऑप्शन है क्या हाँ डी कैसे होगा यार नहीं डी नहीं गलत भी लिख रहा हूँ माफ करेंगे पाँच मीटर क्योंकि आपका साइन थर्टी का वैल्यू दस क्यों लिख रहे हो सर दस तो लिखना ही नहीं है ना टेन लिखोगे ना क्योंकि लंबाई तो एल कॉस्ट ठीठा होगा ना एल साइन ठीठा होगा तीस क्यों लिख रहे हैं आप क्योंकि ये दूरी तो आपकी एल हो जाएगी ना एल एल साइन ठीठा तो एल का वैल्यू क्या है एल की वैल्यू तो आपकी दस है जी है ना अब समझ गए अब सही कर दिया मैंने ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फाउंडेशन बिलो ये जो फिगर है आपका ये देखो जरा ये फिगर जो है इसको देखो आइडेंटिफाई द गिवन टाइप ऑफ फाउंडेशन बिलो एक सॉफ्ट मटेरियल है एक आपका यहाँ पर कोई सॉफ्ट मटेरियल है और ये आपका एक्चुअली में देख रहे होंगे आप फ्रिक्शन के माध्यम से आपका सियरिंग लोड का बियरिंग हो रहा है नॉट द बियरिंग ये देखो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल क्योंकि फ्रिक्शन के बेस पर आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है या रजिस्टर्ड हो रहा है ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क और ये बात तो सच है यार कि भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बॉन्ड भी तो आपका इंग्लिश बॉन्ड है और सबसे मजबूत बॉन्ड भी तो यही है तो सबसे पहले जवाब कर देना था आपको हम नहीं लिख रहे आपने लिखा हाँ तो ये हो गया आपका इंग्लिश बॉन्ड ठीक है चलो आगे बढ़ लेता हूँ इंग्लिश बॉन्ड कुछ ऐसे लगा होगा इंग्लिश बॉन्ड कैसे होता है कि एक रो आपकी पूरी स्ट्रेचर की होगी देखो पूरा एक रो स्ट्रेचर का होगा उसके बाद हेडर बिछाएंगे यहाँ पर पिन क्लोजर लगा देंगे आप पतला बॉन्ड बनाने के लिए फिर हेडर फिर हेडर फिर हेडर फिर, 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 फिर स्ट्रेचर 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 फिर आपका हेडर इस तरह से चलता है एक रो पूरी स्ट्रक्चर, एक रो पूरी हेडर इनर सरफेस की बात हो रही है पहले भी डिस्कस किया मैंने कि इनर सरफेस को हम क्या कहते हैं किसी भी आर्च का जो इनर सरफेस होता है इसको हम कहलाते हैं क्या इनर सरफेस की अगर हम बात करें तो इसको कहलाते हैं हम सोफिट और अगर इनर कर्ब बोलता तो ये आपका क्या होता है इनर कर्व अगर बोलता इनर कर्व हम कहते हैं दोस्तों किसको इंट्रॉट को लेकिन अभी तो आपका इनर सरफेस था सॉफिट था यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको ये आर्च आपका तो अगर आपको कभी इनर सरफेस कहे सरफेस तो सॉफिट होगा और इनर वाला जो कर्बेचर है उसको इंट्रॉड्स कहेंगे और एक्सटर्नल कर्ब जो है एक्सटीरियर कर्ब इसको एक्सट्रोड कहेंगे स्पैन आपका यहाँ से ला की दूरी राइज आपका ये वाली दूरी है ना ये वाला एबैटमेंट कहलाते हैं ये जो तुम्हारे सपोर्ट हैं एंड सपोर्ट इनको एबैटमेंट कहते हैं डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए आप कौन सा फ्लोरिंग यूज़ करते हैं अगर बात किया जाए डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए या डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए तो हम क्या करते हैं कि जो आपके मार्बल चिप के साथ लगे होते हैं जो टाइल्स होगी नॉर्मल टाइल्स उसमें छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं मतलब चिप्स का मतलब छोटे छोटे आपके उसमें ग्लेजिंग किए हुए चिप्स लगे होंगे अच्छा देखने में लगता है तो टेराजो फ्लोरिंग उसको कहते हैं हम देखा भी होगा आपने इस तरह की फ्लोरिंग है ना इफेक्टिव कवर ऑफ द एनफोर्समेंट इफेक्टिव कवर हम किसको कहते हैं दोस्तों याद करो तुरंत जाके याद करो तुरंत जाके बीम के उस सेक्शन को जिसमें कि मैंने आपको बता रखा था अभी मैं आपको फिगर बताऊंगा पहले आप जवाब करो जिसमें क्लियर कवर जिसमें मैंने इफ़ेक्टिव कवर जिसमें अगर आपने यू के जेई का जो इंटरव्यू वाली क्लास भी देखी होगी ना इंटरव्यू को लेकर जो क्लास डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर प्ले में जाके आप देखो वीडियो में जाके उनमें भी मैंने बहुत सारा जानकारी आपको दिया है ठीक है समझ गए तो आप कहेंगे कि सर हमको करना क्या है अगर ये पूरा बीम है देखिएगा इस फिगर को देखना ध्यान से ये पूरा बीम है दोस्तों ये क्या है पूरा बीम है बीम का क्रॉस सेक्शन है ये देख रहे हो आप तो इसके अंदर ये तो तुम्हारा कंक्रीट होगा इसको तो हम क्लियर कवर कहते ही हैं ये सब क्लियर कवर है दोस्तों ये क्लियर कवर ये देखो बीम के नीचे बार के नीचे से बॉटम क्लियर कवर यहाँ भी ये क्लियर कवर ये तुम्हारे हैंगर बार हो गए ये तुम्हारे अटैचिंग के लिए आते हैं काम इनको बोलते हम है हैं हैंगिंग बार हैंगर बार बोल सकते हैं नीचे तुम्हारे ये क्या है जितने भी बार होंगे ये सब मेन बार कहलाएंगे दोस्तों नीचे जितने भी ठीक है ना ये सब मेन बार होंगे क्या होंगे मेन बार अच्छा अब मेन बार के जो सेंटर से लेकर या स्टूडेंट बॉटम तक की जो डिस्टेंस है आपकी यही कहलाती है इफेक्टिव कवर यही कहलाती है आपकी इफेक्टिव कवर और बार के सेंटर से लेकर टॉप तक की जो दूरी है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ ठीक है ना तो आप कहेंगे कि सर एक्चुअली में टोटल डेप्थ में सब देखो यहां पर सवाल देखो टोटल डेप्थ आपकी ये वाली है इस डी में से अगर आप इफेक्टिव को इफेक्टिव कवर पूछा था ना हाँ इस डी में से अगर आप इफेक्टिव डेप्थ माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव कवर तो टोटल डेप्थ माइनस टोटल इफेक्टिव कवर की बात हो रही है दोस्तों तो टोटल डेप्थ माइनस हैं टू टाइम्स ऑफ बार डायमीटर या बार डायमीटर आप कहेंगे कि सर बोलो क्या कहेंगे इफेक्टिव कवर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर क्लियर कवर में आधा और जोड़ दो बार डायमीटर क्योंकि टोटल डेप्थ में से अगर यहाँ पर कहीं लिखता लिखता इफेक्टिव डेप्थ तो तब यह होता तो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों ठीक है समझ रहे हो बात को अरे एक के आएंगे यार, मत। चल रहा है, तो है, तो तो है। इसलिए जो भी चीजें बता रहा हूँ आपका अगर प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस आप करो तो इक्के दुख के, के क्वेश्चन आ रखे हैं कॉन्क्रीट और आर के भी देख लो आप एग्जाम को खोल के ठीक है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है हर एक एग्जाम में क्लियर कवर में जोड़ दो आप क्या आधे डायमीटर को आधा जो आपका बार डायमीटर है बस चलो बताओ फॉर डिजाइनिंग द शॉर्ट एक्सली लोडेड कॉलम बाय लिमिट स्टेट मैथड द मिनिमम एसेंटिसिटी शुड नॉट एक्सीड बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी कुछ पोर्शन पूछ लिया जाता है इस चीज को क्यों छूट ले दो आप घबराह आ रहे हो भाई Hmm. तो हम कहेंगे जब असेंटिसिटी आप देखते हैं तो सर फॉर्मूला तो हमको याद है ई e मिनिमम जो असेंटिसिटी है वो हम लिखते हैं एल बाई फाइव हंड्रेड प्लस डी बाई थर्टी इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ट्वेंटी एम फर्स्ट वन एंड सेकंड वन ई मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव जीरो फाइव एक्चुअली में टाइम्स ऑफ डी डी और लिस्ट लेटर डायमेंशन होता है तो आपके पास ये वाला आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन ट्रैपोजोडल वेयर हैज़ द अनदर प्रॉपुलर नेम पॉपुलर नेम ट्रैपोजोडल एक का एक स्पेशल टाइप है एक्चुअली में ट्रैपोजोडल का नाम तो ट्रैपोजोडल ही लेकिन ट्रैपोजोडल का ही एक पार्ट है या एक स्पेशल टाइप है जिसकी अलग ही कुछ प्रॉपर्टी होती है उसमें एंगल अलग रहेगा उसमें आपके टॉप ब्रथ कितनी रहेगी उसमें जो स्लोप है वो कितना रहेगा वो सब बातें तो अगर आपने ओपन चैनल फ्लो पढ़ा है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि फुलवुड मैकेनिक्स में आप कहेंगे ही उसको कहा जाता है वेयर क्या कहा जाता है वेयर रिलेशनशिप बिटवीन द तो हम तुरंत कहेंगे कि सर ई इज इक्वल टू तो हमने पढ़ा ही था एन अपॉन वन माइनस एन और यहीं पर हमने देखा कि ई इज इक्वल टू सर एन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई इसके हिसाब से रिलेशन लगा हुआ कुछ बैठ रहा है बैठा दो if the solid has the air content of the 50 परसेंट देन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल भी आप सब लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट में क्या फ़र्क पड़ता है भाई जब हम लिखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिस इज द वन माइनस एयर कंटेंट ये पढ़ते हैं क्या गजब हो गया सर भाई जब आपका वन का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट दोस्तों या ऐसा भी लिख सकते हैं वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो इंडायरेक्टली आपका जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा इन टू हंड्रेड कर दो तो आपका 50% परसेंट ही आएगा ये इनटू 50% परसेंट ही आ रहा है ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ओरिजिनल जो है इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है ध्यान रखना चेन प्लान ए, उसकी चेन की और जो आपकी नाव बाद में मेजर करके जो श्रंक होके आई तो ये 9.5 सेंटीमीटर आई इसका जो ऑरिजिनली जो स्केल था वो एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू दस मीटर था तो आप डिटरमाइन करें श्रिंकेज फैक्टर को मैंने आपको कई बार कहा है इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज़ कराने के लिए आता ही आता है बस आप मेरी याद रखना एक चीज़ को कि सर ने एक चीज़ समझाया था हमें कि श्रिंकेज फैक्टर हमेशा क्या होता है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर ये नहीं दिया है अगर ये नहीं दिया है तो आप ये वाला लगा लो श्रंक फैक्टर इज इक्वल टू स्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल अगर आपका सीधे 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 मुंह से अगर बात हो जाए तो क्या है लड़ाई झगड़ा करना है जब सीधे मुंह से बात हो जा रही है श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू आपका श्रंक लेंथ जो है 9.5 है अपॉन ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर दोनों सेम यूनिट में है तो काहे घबराते हो भाई आपका जीरो हो जाएगा सेकेंडों में जब आप पाएगा स्रंक स्केल तो जीरो पॉइंट सृंके फैक्टर स्रंकेज फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन फाइव तो कुछ लोग डी भी कर रहे हैं गजब कर दिया भाई गजब का जवाब कुछ लोग डी कर रहे हैं कौन है जरा मैं देखना चाहता हूँ इनको तो आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द एग्रीगेट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ बाई एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए ज़्यादा ही होना चाहिए 2.6 से 2.9 के रेंज में होना चाहिए और आप सब लोग जानते हैं कि पेमेंट मटेरियल का पार्ट है बिटविन बिटविन में एक टेस्ट हम करते हैं ग्रेड को डिफाइन करने के लिए पैनेट्रेशन टेस्ट जिसकी मदद से ही हम कर पाते हैं कि ग्रेड कौन सा है और ग्रेड हार्डर है या सॉफ्टर है क्योंकि वहां पर हम वो सौ ग्राम का जो वेट होता है उसको पांच सेकंड के लिए छोड़ देते हैं में हम देखते हैं कि वो कितना पेनेट्रेट हुआ है अगर वो तीन से चार एम एम पेनेट्रेट हुआ है तो उसको हम कहते हैं थर्टी बाई फोर्टी ग्रेड अगर वही सेम प्रोसेस में अगर वो आठ से दस एम एम पेनेट्रेट हुआ है हम उसको कहते हैं एट्टी बाई हंड्रेड तो आप देखते हैं कि ज्यादा पेनेट्रेट कौन हुआ है आठ से दस एम एम वाला तो इसका मतलब वो सॉफ्ट रहा होगा और ये वाला कम पेनेट्रेट हुआ है तो ये क्या है ज्यादा हार्ड है क्या बोलते हैं इसको वही आप सभी लोगों ने मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा इनमें से इसका जवाब गलत करेगा बताओ इन स्कैप फोल्डिंग वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेमवर्क सपोर्ट ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड में सपोर्ट करते हैं हम स्का फोल्डिंग तो सब समझते हैं ना इसका तो सब समझते ना इसका फोल्डिंग एक टेम्परिरी स्ट्रक्चर है दिस इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर दिस इज मेनली यूज फॉर द वाइट वॉशिंग प्लास्टरिंग वर्क और मेसनरी मोटार वर्क एंड एक्सेट्रा तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है आपका यहां पर इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स इस इस इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड क्या होता है एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि हम फ्रेमवर्क में यूज करते हैं है, डायगोनल है। है? तो इंपॉर्टेंट तो तो याद कर लो पुटलॉक है member, wall, के में यूज करते हैं एक होता है ट्रांसफॉर्म्स दिस इज द बोथ एंड ऑफ दुटलॉग सपोर्ट ऑन द लेडर ब्रेडल होता है ना एक ब्रेडल होता है दिस इज इन द ब्रिज एंड ओपनिंग इन वॉल एक होता है बोर्डिंग दिस इज द्लैंक ऑन विच वर्क स्टैंड टॉय बोर्ड होता है दिस बोर्ड आज द प्लेस पैरलर टू द बोर्डिंग नियर द वॉल एक होता है गार्ड रेल दिस इज द यूज इन द रेलिंग प्रोवाइडेड एट द हाइट ऑफ 0.8 से 1 मीटर फ्रॉम द वर्किंग प्लेटफॉर्म तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है कुछ इस तरह का आपने अरेंजमेंट देखा हो कभी देखा नहीं देखा है जनरली अब इसी चीज को यूज कर रहे हैं आप स्टील का अरेंजमेंट है ये है तो आपका कुछ लेडर लगे हुए हैं कुछ आपके पुट लॉग लगे हुए हैं ठीक है ना कुछ आपके इसका इसका फोल्डिंग का पूरा पार्ट है ये लेकिन ये अंदर आपके ये सब कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड दो हजार सोलह द स्लोप ऑफ द रैम्प इन दिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड रैम्प समझते हैं अरे स्लोप ऑफ द रैम्प नेशनल बिल्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग तो वो रैम्प जो होना चाहिए किस हाइट तक होना चाहिए अब सब लोग जानते हैं कि सर एक्चुअली में जो आना चाहिए स्लोप नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग 2016 के अकॉर्डिंग वन इन ट्वेल्व होना चाहिए इतना स्लोप होना चाहिए इन द मल्टी स्टोरिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग ध्यान रखिएगा सरकारी कोई आवास है ये सरकारी कोई भवन है बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी गवर्नमेंट बिल्डिंग द फ्लोर हाइट इज यूजली रेस्ट्रिक्टेड टू अब बताओ गजब हो गया रेस्ट्रिक्टेड टू तो रेस्ट्रिक्टेड टू की बात होती है तीन दशमलव चार मीटर इतना ये मैक्सिमम हाइट है इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अब दोनों के लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन दोनों पर आ सकता है फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग एंड मर्सेंटाइल बिल्डिंग इन सभी के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट है ये नाम आ सकता है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डियर स्टूडेंट आपका ठीक है ये बोला गया है टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर बोला गया है इट्स शुड नॉट बी लेस देन गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए दोस्तों मैंने लिखा है आपको अभी 3.6 मीटर है लेकिन अप्रॉक्स अप्रोक्सीमेट तीन हम ले कर चलते हैं तीन मीटर एक तरीके से ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज यूज फॉर दी ये पहले भी डिस्कस किया है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज कहाँ पर होता है डैम में ब्रिज अबैटमेंट में रिटर्निंग वॉल में या सभी जगह पर तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है दोस्तों ये आप डैम में तो यूज कर ही सकते हो ब्रिज अबैटमेंट समझते हो रिटर्निंग वॉल भी समझते हो रिटर्निंग वॉल का मतलब है कि डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर कोई मिट्टी है इसको ब्रिक अर्थ कहते हैं बैकफिल कहते हैं तो इस मिट्टी को रोकने के लिए कोई वॉल आपने यहाँ पर बनाई है भाई ये कॉन्क्रीट की भी हो सकती है ब्रिज अबैटमेंट आप जानते हैं कि ब्रिज का जो एंड सपोर्ट होता है इनको बोलते हैं हम अबैटमेंट एंड सपोर्ट लेकिन इंटरमीडिएट सपोर्ट जितने भी होंगे वो सब कहलाएंगे पायर इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द ब्रिज इज कॉल्ड एज द पायर एंड एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज दिस इज कॉल्ड एज अबैटमेंट ध्यान रखिएगा तो अभी तो आपका आंसर ऑल हो गया है द एक्सपेंशन ऑफ द पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन पीपीसी की बात हो रही है दोस्तों ये तो पीपीसी के केस में जो एक्सपेंशन है दैट मीन द साउंडनेस टेस्ट जब आप करते होंगे इन केस ऑफ द इन द केस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट तो डी एस ट्रेंड आप दस परसेंट जानते ही हैं ओ पी सी के लिए भी दस होता है जैसे हाई एलिमिना सीमेंट इनके लिए पाँच परसेंट भी होता है चलिएगा लिखा है मैंने एक टेबल आपको लिखा रहा हूँ शायद आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन जो दिख नहीं रही है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ दस एम एम होता है बेटा ओपीसी के लिए आर एच सी के लिए होता है रैपिड हार्डिंग के लिए भी दस लो हीट के लिए भी है दस सुपर सल्फेट के लिए हो गया पांच दूसरा है आपका PSC, है ना नेक्स्ट आपका दस एम एम हो गया नेक्स्ट आपका पोर्टलैंड सीमेंट है ये दूसरा है हाई सीमेंट ये भी आपका पांच मैंने कहा था ना आपको तो इस टेबल को याद रखिएगा काम जरूर आने वाली है आपकी डेवलपमेंट ऑफ ऑफ द द स्ट्रेंथ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर किस पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड फाइननेस आर किस तरह से डिपेंड करते हैं ये कह रहा है कि सीमेंट की स्ट्रेंथ और सीमेंट की फाइननेस इन दोनों में क्या रिलेशन है ध्यान से सवाब करना इन दोनों में क्या रिलेशन है तो आप कहेंगे कि सर हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है कैसे भाई जितना ज़्यादा फाइननेस होती है ना सीमेंट की आपने सुना भी होगा मेरे से कई बार कि जितना फाइन ग्राइंडिंग सीमेंट होगा वो जितना ही जल्दी डेवलप्ड करेगा स्ट्रेंथ उतना अर्ली स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें इसलिए फाइन ग्राइंडिंग हम करते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रंट क्ले ब्रिक भाई ब्रंट क्ले ब्रिक का मतलब होता है जो ओवर ब्रंट हो चुकी हो जो भट्टी के क्लिन के मतलब कि जो फ्यूल के बहुत नज़दीक होंगे जो ईंट भट्टी में क्लिन में वो ज़्यादा पक जाती है ओवर ब्रंट हो जाती है तो हम कहेंगे कि सर अगर हम मैक्सिमम कहते तो मैक्सिमम तो खैर काफी ज्यादा होता है चालीस तक आती है उसकी लेकिन मिनिमम की हम कहें तो 3.5 एमपीएस से तो नीचे कहीं होती नहीं है भाई एग्जिस्टेंस तो 3.5 एमपी आप कहेंगे आंसर गजब हो गया जी द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गजब हो गया भाई देखिएगा भाई अब यहां पर दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा है तो इन दो में कंफ्यूज रहेंगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सब में कंफ्यूज हैं आप अगर हल्का फुल्का पढ़ा है तो दो में कंफ्यूज रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इन दोनों को तो हटा ही दोगे आप क्योंकि जहां मैग्मा के द्वारा बनी गई रॉक है तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का कोई काम नहीं इन दोनों में सही है बेसाल्ट और ट्रैप किया है काफी लोगों ने कुछ लोग बी ऑप्शन को कर रहे हैं डी भी कोई करना वाला है बेटा मैंने कई दफा आपको बताया है कि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रिजेज द अर्थ सरफेस मतलब कि एक्सक्लूसिव टाइप का रॉक जो होता है तो यही तो कहलाता है गजब हो गया साहब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चाय पीना चाहता है तो आप चाय पी सकते हैं गरम-गरम चाय का कुछ अलग ही मिजाज है ना वो भी ठंड के मौसम में कौन सा बात हो रही है पूजा कैसे होगा? ये क्या कह रहा है झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है टीयरिंग झेलते हैं ना साउंड पता है दो सोल्यूशन लेते हैं आप एक आप सल्फेट का एक मैग्नीशियम का उसमें डुबो देते हैं उसके बाद सुखा देते हैं तो ये वेदर इफेक्ट उसी से पता लगता है तो साउंडनेस उसको कहते हैं। कोई को, और कोई था? कोई था था जिसको पुरस्कार मिलना है। यहाँ पर और चलो कुछ प्यार भरी बातें करते हैं यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट तो क्रसिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम तो टाइप ऑफ टेस्ट क्रसिंग टेस्ट कौन सा टेस्ट मेथड है तो आई एस कोड तेईस सौ छियासी पार्ट आपका फोर इसमें यूज होता है हार्डनेस के लिए हम करते हैं जीएसट लॉस लॉस एंजलिस एवरेसन टेस्ट वही तेईस सौ छियासी पार्ट फाइव इसमें यूज होता है टफनेस के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट हम यूज करते हैं जिसमें कि वो चौदह किलोग्राम का वेट कहमा लेते हैं अड़तीस सेंटीमीटर की हाइट से फॉल किया जाता है याद है ना आई एस कोड जो है तेईस सौ छियासी यूज होगा पार्ट फोर के अंतर्गत आता है नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी या आप कहेंगे कि सर ड्यूरेबिलिटी या वेदर इफेक्ट या वेदर रेजिस्टेंस तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं एग्रीगेट पर है ना एक्सिलेटर या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आई एस टू थ्री एट सिक्स लेकिन पार्ट फाइव के अंतर्गत है इनको याद कर रखेंगे ठीक है याद रखेंगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑर ऑफ द बताओ विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटार जो नहीं है सैंड समझते ना बजरी फाइन एग्रीगेट बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूथ ए वाली रिवाइज कर लो ना बहुत है ना चलो याद कर लो कोई दिक्कत नहीं तो भाई सेंड जो है आप सीधे सीधे कहेंगे मोटार में तो प्रोवाइड नॉट स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ सीमेंट रिड्यूसिंग द द्रिंकेस रिड्यूसिंग द सेटिंग टाइम देखो यार यहां पर क्या है ना इस क्वेश्चन इस में ये पिछली बारों का क्वेश्चन में से एक है इस क्वेश्चन में वही खेल हो रखा है मरता क्या नहीं करता भाई ये बात तो सच है ना कि एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में काम करता है ना इनडायरेक्टली है ना लेकिन अगर आप देखें इन तीनों ऑप्शन को देखा जाए तो इनका पलड़ा थोड़ा भारी है इसलिए यही तो है सुपर से भी ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यही तो स, दिक्कत है चलेगा जवाब करेंगे विच ऑन नॉ द फॉलोइंग टेस्ट यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द टाइल टाइल पर जो हम टेस्टिंग करते हैं उनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से नहीं होते ये आपको खुद यहां पर इसको जज करना है चार ऑप्शन के साथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट इंपैक्ट टेस्ट ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट वाटर टेस्ट तो एब्जॉर्बीए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो एक्चुअली में सभी के सभी टेस्ट जो है हमारे ट्राइल पर भी होते हैं ठीक है ना टाइल पर भी होते हैं गिव एन एग्जाम्पल फॉर द फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट दोस्तों फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट क्लास को शेयर जरूर करते रहे तो बताओ जरा जल्दी से क्या बोलेंगे इसको फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट तो हम कहेंगे कि सर ये लेमिनेटेड रॉक इसको कहा जाता है लेमिनेटेड रॉक है देखना चाहोगे दिखा दें आपको तो ये है वो लेमिनेटेड सेट टाइल क्या है सर बता दी टाइल नहीं पता आपको अरे ब्रिक और टाइल में फर्क क्या है मात्र एक ही चीज का फर्क है तो टाइल क्या होती है देखो टाइल आपने देखी नहीं जीवन में कभी आपके घर में होंगी आपके अदर बदर होंगी कहीं टाइल टाइल और ब्रिक में एक दो चीजें अलग होती हैं क्या सबसे पहली चीज तो टाइल में थिकनेस जो है कम होती है ब्रिक के कंपेयर में ब्रिक मोटी होती है दूसरी चीज टाइल में एक एडिशनल प्रोसेस होती है जो कि ब्रिक में नहीं होती उसको बोलते हैं ग्लेजिंग प्रोसेस ग्लेजिंग जी एल ए ग्लेजिंग प्रोसेस ग्लेजिंग को हम हिंदी में कहते हैं कांचन डेस्ट तरीका वही है आप बनाते हो वैसे ही हो सेम टू सेम मिट्टी लाते हो वैसे जैसे ब्रिक के लिए लाते थे उसको आप पहले वेदरिंग करते हो उसको टेम्परिंग करते हो फिर आप उसको मॉर्निंग करते, करते हो फिर उसको ड्राइंग करते हो फिर बर्निंग करते हो, बर्निंग करते हो पकाते हो इतना तक तो बन गया आपका ब्रिक लेकिन पकाने से पहले इसमें भाई आपका एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं टाइल में ग्लेजिंग एक सॉल्यूशन रहता है आपका बढ़िया से उसमें डुबा देंगे और फिर बाहर निकाल देंगे बहुत इम्परबियस होती है उसके बाद ब्रिक बहुत अच्छे से दिखती है उसका जो ऑर्नामेंटल है मतलब की अपीरियंस बहुत अच्छा दिखता है फिर एन एग्रीगेट पास थ्रू दी ट्वेंटी फाइव एम एम आई एस सी एंड रिटेन ऑन द ट्वेंटी If the लिस्ट हाँ, तो इज बोला जाए कि ग्लेजिंग और टाइल में क्या डिफरेंस सॉरी टाइल और ब्रिक में क्या डिफरेंस है कभी कोई एग्जाम पूछे तो आप एक ही सवाल वहां पर करना एक ही जवाब देना कि सर टाइल में बस एक एडिशनल प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ग्लेजिंग और थिकनेस भी कम होती है वेरी है गुड तो हम कहेंगे कि सर 13.5 पॉइंट फाइव एम का आंसर हो जाएगा 13.5 पॉइंट mm फाइव का आंसर होगा आप सभी लोगों का क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि थ्री बाई फाइव टाइम्स ऑफ द एवरेज तो हम कहेंगे सर इन दोनों का एवरेज ले लें आप दिस और दिस एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे आप थ्री बाई फाइव टाइम्स ऑफ द एवरेज तो बस आ जाएगा यही चीज़ और किया भी है मैंने यहाँ पर आप गमराओ मत सबसे पहले मैंने एवरेज लिया ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी बाई टू तो बाईस दशमलव पाँच ऐवरेज आ गया और उसी चीज को मैंने क्या कर दिया थ्री बाई फाइव टाइम्स और ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव उसी चीज का वैल्यू आपका आ चुका है थर्टीन पॉइंट फाइव एम गजब हो गया सर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द क्लास ए लाइम मिनिमम इज द क्लास ए लाइम का जो मिनिमम इनिशियल टाइम होता है सेटिंग टाइम एक मिनट होता है एक मिनट का मतलब दो घंटे तो आई स्लैकिंग टर्म इज यूज फॉर द विच वन ऑफ द एक होता है वाटर किस किसमें यूज होता है बताओ ह्यूमिडिटी लाइम गेट्स एंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी लाइम गेट्स टर्न इन द लाइम पुटी एंड हाइड्रेशन ऑफ लाइम आप कहेंगे लाइम गेट्स सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एंड ड्यू टू ह्यूमिडिटी और ये बात सच है इसी को कहते हैं एयर स्लेकिंग टर्म्स क्योंकि मॉइस्चर के द्वारा ही क्या हो रहा है क्लाइन सॉफ्टन हो जाता है समझ गए ठीक है याद आ रहा है कुछ बातें सपने वो नहीं है जो आप क्या कर रहे हो नींद में देख रहे हो सपने वो है जो आपकी नींद ही ना आने दे गजब हो गया सर क्या बात कही सर टेम्परेचर सॉरी टेम्पररी फ्रेम वर्क इज नोन एज वट दिस इज यूजफुल इन द कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन में व्हाइट वॉशिंग मोटर प्लास्टर बताओ भाई अब तो इतना आपको हिंट कर दिया है इतना हिंट कर दिया है बताओ वो जवाब करना चाहे तो कर सकता है पढ़ के जवाब करना ऐसा कौन सा टेम्पररी वर्क है फ्रेम है आपका फ्रेम वर्क है ये स्ट्रक्चर है जो आपका यूज किया जाता है इस तरह से सर सबसे पहले जवाब आशीष ठाकुर साहब का आया ठाकुर ठाकुर कितने आदमी थे नहीं कुछ और था डायलॉग कितने आदमी थे चार या तीन या दो तो हम कहेंगे कि सर टाइप ऑफ ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल फॉर टू रेस्ट रखिएगा करनी है आपको कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें व्हाइट वॉशिंग कर पाए या मेंटेनेंस कर पाए नीचे कोई हार्ड ग्राउंड नहीं है नहीं है आपके पास कोई ग्राउंड जिसमें चुबा पाए डुबा पाए तो आप क्या करते हो कि एक फ्लैट फट्टी और लगा के इसको बांध करके दीवार में ही धसा देते हो तो ये एक ऐसा ऐसा नुमा एक शेप बन जाता इसका, है इसका कैंटिलीवर वाला इसलिए इसको कैंटिलीवर बोलते हैं सांबा था सांबा था ना ठाकुर से तो हाथ मांग लो <laughs> तो ये था आपका कैंटिलीवर They should be preferably inclined at the 45 degree with the ground. Dear student, अब मैं आपको कुछ कहानी बताने वाला हूँ कि क्या है देखो देखो भाई जब हम खुदाई करते हैं भी कभी ग्राउंड लेवल की कभी हम खुदाई कर रहे ये ग्राउंड लेवल है ये क्या है दोस्तों ग्राउंड लेवल है तो हमने एक्सकवेशन कर दिया कर दिया तो एक्सकवेशन करते हुए ये मिट्टी गिरती रहती है गिरती रहती है गिरती रहती है तो हम इसका कुछ जुगाड़ देखते हैं कुछ उपाय देखते हैं उपाय ऐसे देखते हैं कि हम एक जो मिट्टी गिर रही है इसका एक लकड़ी का एक फट्टा लगा के ऐसे क्योंकि अब जब खोद रहे हैं तो मिट्टी नीचे गिरती रहेगी तो फिर डिस्टर्बेंस होगा खोदने वाले को और यहां पर इसको जो है ऐसे 45 डिग्री पर इसको रैकिंग कर देंगे ऐसे बांधे हुए रखेंगे उसको बोलते हैं रैकिंग सोर क्या बोला था दोस्तों रैकिंग सोर है। बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों रैकिंग सोर उसको बोलते हैं देखना चाहोगे जरा देख लो बढ़िया सा देख लो ये देखो ये है तुम्हारा रैकिंग सोरी पूरा अरेंजमेंट रैकिंग शोर का ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे टॉप रेकर ब्रेस लगा होता है बॉटम रेकर शोर रेकर है ना तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो तुमने इसको मिट्टी को रोक दिया यहाँ पर और ये तुम्हारा ये रैकिंग सोरी इंक्लाइंट जो है फोर्टी फाइव डिग्री पर है फोर्टी फाइव डिग्री पर है ना चलो द उडन पीस विच आर प्लेस्ड टू ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर टू कैरी द कॉमन राफ्टर इज नॉन ऐज देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत गलत होते हैं एग्जाम में इसलिए इन चीज़ों को बार बार मेरे साथ सीखते रहो बार बार याद करते रहो द उडन पीस लकड़ी का पीस है विच आर प्लेस्ड टू हॉरिजोंटली ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर टू कैरी द कॉमन राफ्टर इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको पर्लिन की बात हो रही है क्या ये गजब हो गया सर ये परलिन की बात हो रही है क्या है ना ये की बात हो रही है राफ्टर के पर इसमें है ये हॉरिजॉन्टली तो है लोअर एज ऑफ द इनक्लाइन रूफ सरफेस को इनकलाइन रूफ सरफेस है उसके लोअर एज को क्या कहते हैं और ये तो तुम्हें फिगर से ही समझ आएगा ये तो फिगर से ही समझ आएगा जहां तक लेकिन पहले अगर आपने पढ़ा होता तो सबसे पहले ही आपका जवाब होता सर ये ईप्स कहलाता है देखिएगा इस फिगर को देखा जाए तो ये आपका कोई स्लोपी ग्र रूफ होगा तो यहां से आपका एक इनकलाइंड आपका एक पार्ट और निकल रहा है इसी रूप में इसी छत के पार्ट में इसी को बोलाता है ईप्स ये तो छत हो गया रूफ यहाँ तुम्हारा ये क्या चीज़ है ये एक्सटीरियर वॉल है समझ रहे आप चलेगा नेक्स्ट करते हैं इसका जवाब करो द टाइप ऑफ द रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन दो डायरेक्शन है दोस्तों कैसे भाई ये है स्लोप आपका एक स्लोप तो ये हो गया और दूसरा स्लोप आपका इतना एक और है ऐसा ऐसा चलता है इसमें तो बेटा आपका ये वाला जो स्लोप है एस वन और ये वाला स्लोप है एस टू एक्चुअली में ये देखा गया है कि जो एस टू है दिस इज द ग्रेटर देन तो ये बोला गया है इस तरह का जो स्लोप वाला जो छत है या क्या बोला जाता है इसको हम कहेंगे द टाइप ऑफ द रूफ विद स्लोप इन द टू डायरेक्शन विद द ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड दिस इज नोन एज दिस इज द गैमरेल रूफ द दैमरेल रू दिखा दो आपको सारी छतें कितना लोग देखना चाहते हैं कितना प्रतिशत भारतीय देखना चाहते हैं जितने भी टाइप के छत होते हैं सब दिखा दो सर आज मोस्टली जितने भी टाइप के छत होते हैं तो वो सब दिखा दो सर आज कितने लोग देखना चाहते हैं सर हम देखना चाहते हैं तो देख लो फिर लेकिन मैं तो करूंगा डिस्कस जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है एक है आपका ओपन गेवल ये बस दो साइड होगा दूसरा है डोरमर टाइप का फ्लोर जिसमें डोरमर विंडो लगी होती है एक होता है हिप वाला इसमें देखिएगा चारों साइड है भाई स्लोप इधर, इधर भी है इधर भी है इसके दो साइड उधर भी होगा उसके बाद गैम्बरेल वाला देखिएगा दो स्लोप है इसका स्लोप देखो एस टू बोला था ना इसको एस वन तो एस टू ज्यादा है ये देखो इसी यही तो आता था यही तो आया था यही तो आया था।, तो था ना एक होता मैं जो आप लोग कह रहे थे बेटा इसमें देखो स्लोप कितने हैं एक दो तीन चार चार दुने आठ फिर ऐसे भी होंगे है ना तो ये नहीं था वो जो आप जवाब कर रहे थे बटरफ्लाई वाला भी कम आता है ये तो ये भी इम्पॉर्टेंट है उसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फ्लैट वाला तो आप जानते ही हैं क्रॉस हिप्ड वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो ये जो मैंने आपको दोस्ती ये हिप वाला हो गया डॉमर हो गया बॉक्स गैबल हो गया ओपन गैबल हो गया गैमरेल हो गया मैंसड हो गया बटरफ्लाई वाला हो गया फ्लैट हो गया तो ये इम्पॉर्टेंट है मोस्टली ठीक है इनको तो याद रखना ही रखना है इनके फिगर को समझो जरा ध्यान से विच इज द टॉप मोस्ट मेंबर ऑफ द शटर शटर मतलब दरवाजा होता है तो दरवाजे के टॉप में क्या होता है तो आप बोलेंगे सर रेल होती है टॉप रेल होगी अगर यहीं पर अगर आपसे पूछता कि बताओ चौकट है फ्रेम होता तो फिर हेड होता हेड है। होता समझ गए बात को टॉप और अपर मोस्ट ऑरिजेंटल पार्ट ऑफ द फ्रेम इज नोन एज आ गया ना वो क्वेश्चन फ्रेम होता है चौखट तो चौखट के टॉप में जो होता है उसको हम कहते हैं देखो ना चौकट ऐसे होगी भाई पे तो फिर सेटर लगाओगे ऐसे, हो ये ये ऐसे अटैच होंगे आपके दीवार में इनको होल्ड फास्ट कहा जाता है सर ये जादू की तरह नहीं दीवार में धसे होंगे ये इनको कहते हैं इसको कहते हैं और ये वाला जो लेबल होता इसको है उसको कहते हैं सिल देहली देहलीज में है हाँ रिपीटेड है तो हम कहेंगे सर ये हेड होगा बताओ व्हिच टाइप ऑफ विंडो शटर आर अलाउड टू तो स्विंग अराउंड द पाइवोट स्विंग कर सकते हैं हम स्विंग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पर वाव पाइवोट उसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको पाइवोट कहते हैं दोस्तों तो चलो जवाब करो इसका क्या बोलते हैं इसको पिवोटेड टाइप विंडोज को कहा जाता है आप देख पा रहे हैं पहले भी हमने डिस्कस किया था वैसे एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है और इस पॉइंट का अबाउट पाइवेट होगा इसको बंद करेंगे तो ये तुरंत इधर आ जाएगा ठीक है इधर आ जाएगा पूरी क्लोजली आपकी बंद हो जाएगी विचारों द फॉलोविंग इज नॉट द मैटामॉर्फिक चेंज ध्यान रखिएगा मेटामॉर्फिक चेंज नहीं है मैटामफिक चेंज नहीं है वो समझाना है आपको तो मैटामॉर्फिक चेंज नहीं है इस चीज़ को समझ जाना आप विजन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ मैटामोरफिक चेंज शेल टू स्लेट होता है कैल्साइट टू सिस्ट हो रहा है ग्रेनाइट टू नीस हो रहा है लाइम स्टोन टू मार्बल हो रहा है क्या होगा बताओ जरा विंडो में चार होल्ड फास्ट होते हैं डुअर में छह होते हैं हाँ गजब का जवाब कर दिया भाई बढ़िया सही किया है तो हम कहेंगे कि सर शेल टू स्लेट सही है ये ग्रेनाइट से नीस बनता है लाइम से मार्बल बनता है सैंडस्टोन से क्वार्ज बनता है क्वार्जाइट तो ये वाला गलत है जी ये तो मिनरल ऑलरेडी बी ऑप्शन था जम्फर इज टूल यूज फॉर पहले भी दिखाया था ना आपको जम्फर बंफर नहीं डंफर नहीं जम्फर तो जंफर का यूज आप ड्रेसिंग में करते हो क्या या क्वेरिंग में करते हो या टेस्टिंग ऑफ स्टोन में करते हो या नन ऑफ दीज़ सर हम इसका क्वेरिंग में यूज करते हैं ना या ड्रेसिंग में करते हैं चलो मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं इसमें क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया तो इसका गलत मत करें भाई जो गलत देगा जवाब जो देगा आज गलत जवाब जिसका गलत होगा जवाब आज हाँ क्वेरिंग है ना hmm. क्वेरिंग ऑफ स्टोन जंपर आप होल करने के लिए यूज करते हैं क्वेरिंग के लिए यूज करते हैं स्क्रैप देखो स्क्वेयरिंग के टूल हम पढ़ लेते हैं एक दिन कई बार मैंने पहले ही बताया क्वेरिंग जो टूल है जंपर है स्क्रैपर है है ना डस्ट को रिमूव करने के लिए प्राइमरी निडिल है टैंपिंग बार होती है डीपर होता है तो ये सब आपके क्या है किस में आएंगे इनके नाम याद कर लो क्वेरिंग टूल है चलेगा आइडेंटिफाई द फिगर इस फिगर को देखते ही तुरंत आपकी घंटी बच जाएगी दिमाग में कि सर एक क्वीन क्लोजर है ब्रथ के हाफ से उधर से भी काटा उधर से भी काटा केमिकल कंपोशन ऑफ द क्विक लाइम क्विक लाइम तो सब लोग समझते हैं ना तो क्विक लाइम का जो केमिकल कंपोजन है वो क्या है तो भाई लाइम तो हम जब सब लोग जानते हैं सी ए होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना है ना चूना ही लेना प्योर लाइम स्टोन आइडेंटिकेटेड प्योर लाइम को स्टूडेंट एक्चुअली में ना प्योर लाइम इतना धनी आदमी है कि इसको हम रिच लाइम भी कहते हैं रिच लाइम भी इसको कहते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड लाइम भी कहते हैं और इसको सबसे मजेदार बात है कि इसको वाइट लाइम भी कहते हैं क्योंकि इसका सफेदी बहुत ज्यादा होता है तो यही तो है इसका कलर व्हाइट गजब हो गया सर लाइम ऑप्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ द प्योर लाइम स्टोन इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है इसको अगर हम लाइम स्टोन से अगर आप प्योर लाइम को ऑप्टेन कर रहे हैं या प्योर लाइम स्टोन से लाइम को ऑप्टेन कर रहे हैं ऑप्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम स्टोन इज कॉल्ड एज तो हम कहेंगे रिच लाइम या प्योर लाइम या क्विक लाइम तो आप तो हम कहेंगे कि सर लाइम ऑप्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ द प्योर लाइम प्योर लाइम स्टोन दिस इज डिस्ट्रेंट क्विक लाइम नॉट द रिच लाइम दिस इज द क्विक लाइम डिस्ट्रेन जब भी हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं ना सी ए सी थ्री ओ कैल्सियम कार्बोनेट यहां पर गलती कर दिया आपने काफी लोगों ने कर दी है तो ये लाइम स्टोन होता है इसको बोलते हैं चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तो यहां से जब हम कैल्सिनेशन करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तो यही से जो हमारा लाइम पैदा होता है ना प्योर लाइम स्टोन से इसको हम क्विक लाइम में कहते हैं ये कहता है हमारा क्विक लाइम तो क्विक लाइम को उसको नाम देते हैं हम ठीक है ना समझ गए बात को लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इन टू हाउ मेनी टाइप लाइम को कितने प्रकार में हम डालते हैं बताओ लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इन टू हाउ मेनी टाइप्स बताओ तो भैया लाइम को हम तीन प्रकार में डालते हैं कि नहीं डालते हैं कौन कौन से प्रकार साहब एक प्रकार होता है आपका सबसे पहले प्योर लाइम प्योर लाइम को ही हम कहते हैं रिच लाइम और इसी को हम कहते हैं व्हाइट लाइन तो पहला लाइम तो ये हो गया दूसरा लाइम कौन सा था सर दूसरा था आपका हाइड्रोलिक लाइन हाइड्रोलिक लाइन इसको वाटर लाइम भी कहा जाता है वाटर में सेट होता है तीसरा होता है डिओ आपका पोअर लाइन पोअर लाइन को एक और नाम होता है काफी लोगों को पता नहीं होता जिसको हम लीन लाइन भी कहते हैं और करके लिखता हूं लीन मतलब इम्प्योर लाइम भी इसको बोलते हैं लीन लाइन इसमें सबसे कम होती है क्ले पांच परसेंट इसमें पांच से तीस परसेंट इसमें तीस परसेंट के करीब तीस परसेंट के ज्यादा या तीस परसेंट so, तो तीन तरह के लाइम होंगे ना कन्वेंशनली समझ गए बात को नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज यूज टू सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट तो सीमेंट का सेटिंग टाइम के लिए भाई बिकाट अपराटस है इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं क्रिप से क्या समझते हैं आप कंकर लाइम भी कहते हैं उसको हाँ सही बोल रहा हूँ बताओ लेकिन वो पोअर लाइम के टाइप में आता है बेटा रजनीश कौन बोल रहे हैं रजन कुमार जब हम पोअर लाइम को डिवाइड मतलब कि एक्चुअली में जब हम लाइम को एक दूसरा तरीका भी होता है ए बी सी डी ई एफ करके तो लास्ट वाले में आता है में ठीक है क्रिप क्रिप क्या है टाइम डिपेंडेंट है क्रिप इज द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर अंडर द कांस्टेंट लोड किसी कांस्टेंट लोड पर धीरे धीरे समय के साथ साथ डिफॉर्मेशन हो रहा है हो रहा है हो रहा है इसी को तो कहेंगे टाइम डिपेंडेंट गजब हो गया सर सी भी तो यही है सर सी इंडिपेंडेंट है बालकों ऐसे टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है मैं सही बताऊं तो लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन पे जुड़ते तो ए ऑप्शन कहते हैं विथ सीमेंट कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ द सी थ्रियस एंड द लो परसेंटेज ऑफ द दी कौन सा सीमेंट है जिसमें सीथ्रियस बढ़ाओगे सी थ्रियस बढ़ाने का मतलब है आपको रैपिडली चाहिए स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो भैया रैपिड हार्निंग सीमेंट गजब हो गया सर है ना लो परसेंटेज ऑफ द एस समझ गए बात को इसमें कौन सा होगा भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी बताओ ओपीसी की बात करो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी की बात करो भाई दोस्तों ओपीसी की बात करो थ्री पॉइंट वन फाइव होगा क्या सब लोग जानते हैं यार कि जब हम ओपीसी की बात करते हैं दोस्तों थ्री पॉइंट वन फाइव का होता है ओ पी सी का स्पेसिफिक ग्रेविटीट इज सोन इन द बिलो दिस फिगर आइडेंटिफाई दिस फिगर दिस टाइप ऑफ एग्रीगेट इन इन दिस फिगर यू सी दैट बोलो नहीं बताओगे फ्लैकी तो दिख नहीं रहा सर इरेगुलर और पार्सली एग्रीगेट भी नहीं दिख रहा हमें साफ साफ दिख रहा है कुछ एंगुलर एंगुलर शेप का दिख रहा है सर कौन है ये फ्लैकी वाला फ्लैकी दिख रहा है क्या चलो मैं जूम करके देखता हूँ अपने चश्मे से नहीं दिख रहा है मुझे शेप तो दिख रहा है मुझे फिगर मुझे तो ऐसा दिख रहा है एगुलर एग्रीट द परमिशबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बैंडिंग एम ट्वेंटी ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट इज सेवन न्यूटन स्क्वायर तो मतलब कि ये बात कर रहा है सिग्मा सीबीसी की ये दे रखा है आपको परमिस कंप्रेसिव बेंडिंग स्टेशन कॉन्क्रीट एन एम ट्वेंटी ग्रेड आपको दे रखा है और मॉडलर रेशियो तो आप तुरंत बता ही देते हो कि सर ये होता है टू एटी अपन थ्री टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं कुछ नहीं करना आपको टू एट्टी अपन सॉरी टू एटी अपॉन आपको करना है थ्री टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी गजब हो गया इक्कीस वैसे भी आपको याद भी होगा इस ग्रेड का तो इस ग्रेड का तो वैसे ही डिजाइन किए होंगे आपने इरेगुलर क्यों नहीं फिर इरेगुलर कैसे होता है इरेगुलर का मतलब होता है कि आपका किसी पर्टिकुलर शेप का ना हो अलग अलग शेप के हो बल मैकेनिक्स का बेसिक क्वेश्चन था और ये ना केवल आपका मैं आज करा रहा हूं ये पिछले सालों में भी क्वेश्चन आया हुआ है बल्क मॉडल्स पे बेसिक क्वेश्चन तो आते ही है के दुके बेटा सबसे पहले तो बल्क मॉडल्स की हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम के और ये होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन दी या चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अपॉन दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया ठीक है और जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ये तो हो गया भाई आपका यूनिटलेस दोनों के दोनों ये क्या हो गया यूनिट लेस हो गया कैसे इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम आपका मीटर में रहा होगा मीटर क्यूब में चेंज भी इसी में हुआ होगा मतलब कि टोटली फोर्स अपॉन एरिया पे डिपेंड कर रहा है यूनिट फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देखो अब कैसे लिख रहा हूँ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एफ इज इक्वल टू होता है एम इन टू ए मास को आपने लिखा किलोग्राम कई दफा बता दिया मैंने अब तो मुझे भी शर्म आ रही है कि यार कितने बार बताओ मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो किलोग्राम को आप क्या लिखोगे न्यूटन को सीधे लिख रहा हूँ एम एल टी माइनस टू और मीटर स्क्वायर को एल की पावर टू क्या होगा ये कट के एम एल माइनस वन टी माइनस टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू गजब हो गया सर अब मुझे ये बताओ साफ साफ तौर पे कि किसने ए जवाब किया था लाओ भाई ए के फोर्टी सेवन लाओ जरा जो रखी ना वो बगल में जरा ले आना बिल्कुल सही जी एल माइनस वन टी माइनस टू दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओके पोरोसिटी ऑफ ये तो पहले ही करा दिया मैंने. कुछ नहीं करना जीरो आ जाएगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बल्क यूनिट वेट आपको निकालना है दोस्तों किलोमीटर पर मीटर क्यूब कितनी बार ही किया होगा आपने एंड वाटर कंटेंट दिस इज द ट्वेंटी परसेंट देन वाट विल बी द बल्क यूनिट वेट गामा डी की बात करते हम गामा बी सॉरी तो गामा बी जो होता है आपका गामा निकालो ड्राई यूनिट वेट दे रखा आपको है ना और बल्क यूनिट वेट निकालना है निकालो जरा निकल जाएगा देखो भाई मैं तो आपको ये कहूँगा कि फार्मूला जो हमने पढ़ा है है ना? फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है क्या ये वाला लग जाएगा इसमें लगा के देखो जरा क्योंकि एक्चुअली में ड्राई यूनिट वेट जो होता है ना दोस्तों ये होता है आपका बल्क डेंसिटी अपऑन वन प्लस वाटर कंटेंट लगा के देखो आ जाएगा आंसर ठीक है जी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे जी कल हम हाल्ट क्वेश्चन रखेंगे थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप रखेंगे कल ट्वेंटी पॉइंट फोर आ जाएगा इससे आंसर ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज द फोर्टी परसेंट जी का मान दिया है वर्ड रेशो आपको दे रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको रखना है बताओ वाटर कंटेंट आपको दे रखा है डब्ल्यू का जीरो पॉइंट फोर फोर्टी परसेंट जी का मान आपको टू पॉइंट सेवन दे रखा है वर्ड रेशो ई ई का वैल्यू दे रखा है वन पॉइंट थ्री फाइव और आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस निकालना है और आप लोग तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं एसई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी सर तो बस सब कुछ तो पता तो का ही तो है तो घबराते हो ऐसे तो निकालना डब्ल्यू जी बटे ई कर दो सर ई पी एम आर सी एम के सब्जेक्ट भी ऐड करो सर चलो ठीक है कल ऐड करेंगे यार तुम लोग ना कल मैंने क्लास रखी थी क्लास में तुम तो रहते नहीं हो ना तुम्हारा कोई पॉजिटिव फीडबैक रहता है क्लास में है ना तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है फिर मुझे मुझे तो पढ़ा नहीं है ना क्वेश्चन कराने कल थोड़ा सा भाई लेवल सही रहेगा ठीक है क्लास में जरूर रहेंगे कर दोगे आंसर यूनिट ऑफ द कॉपिशन ऑफ द परमेबिलिटी कॉपिशन ऑफ द परमेबिलिटी बेटा आपने डारसी ला डारसी साहब ने क्या बोल के मरे थे उन्होंने कहा था कि जो है विलोसिटी डायरेक्टली परपोर्सनल टू आई होगा बोलते ही मर गए थे उन्होंने कहा कि तो तो यूनिटलेस स्लोप स्लोप क्यों ऐसा क्यों है सर यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं जब स्लोप कभी भी कहते हैं कि दो परसेंट का स्लोप है मतलब की दो बटे सौ मतलब कि सौ बे दो का राइज भाई सौ भी आपका दो मीटर मतलब मीटर में रहा होगा दो भी आपका मीटर में रहा होगा तो मीटर पे मीटर कैंसिल आउट दिस इज दूनिटलेस तो वी या के की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ द के डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द दिलोसिटी यूनिट तो विलोसिटी अगर आप सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं तो के की यूनिट भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड विलोसिटी की यूनिट तो सब लोग जानते ही हैं फेरेटिक लाइन अगर आपने देखा होगा अर्दन डैम में कई बार डिस्कस मैंने किया है अर्दन डैम क्या होता है डिस्टैंड आपका मिट्टी का डैम जिसमें कि पानी सीपेज हो सकता है यहाँ तुमने पानी को रोका है माना अपस्ट्रीम में तो पानी सीपेज हो जाता था तो हमारी जो ये लाइन है फ्लो लाइन है फ्लो लाइन एडजस्टमेंट इन फ्लो लाइन की बात हो रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टॉप आपकी फ्लो लाइन है जिनको आप फेरेटिक लाइन कह रहे हैं तो ये अरे तो हमने कहा कि सर अगर हम आईएनडी की बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जितने भी मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी भारत में दी जाती है आई के द्वारा जी आती मौसम है मौसम विभाग भारतीय तो इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली में जब हम रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं तो सुबह के साढ़े आठ बजे के बाद की कैलकुलेशन हम करते हैं सुबह साढ़े आठ बजे की कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा चलता है अब आपको पता है कोई तुम में से कोई जवाब कर सकता है कि भारत की जो एवरेजन रेनफॉल होती है सालाना एनुअल एनुअल बता सकता है कोई भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से किसी को याद हो तो बताओ एनुअल एवरेजन एवरेज रेनफॉल ऑफ द इंडिया व्हाट इज द फॉर्मड व्हेन विच वन ऑफ द फॉर्म व्हेन कॉगोलेंट इज एडेड टू वाटर बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं जो खुद से नहीं बैठ पाते उसके लिए कुछ कॉगलेट कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिससे कि वो चिपक जाते हैं चिपकने के बाद उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो खुद बैठ जाते हैं लेकिन ये जो चिपके हुए जो पा, पा, जो चिपकने के बाद जो इनको नाम दिया जाता है उसको कहते हैं फ्लॉक फ्लॉक बोला जाता है दोस्तों इन विच टाइप ऑफ फिल्टर रेट ऑफ द लो तो पहला हो तभी इन टाइप ऑफ फिल्टर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज लो किसका है लो बताओ ग्रेविटी प्रेशर सो सेंड फिल्टर या रैपिड सेंड फिल्टर तो हम कहेंगे कि सर ये नाम से लिखा हुआ है कि स्लो सेंड फिल्टर का सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा देखा जाए तो भाई प्रेशर फिल्टर का भी ज्यादा होता है ठीक है स्लो सेंड फिल्टर का सबसे कम होता है लेकिन इसका फायदा है और उस फायदा इस क्वेश्चन में दिखेगा आपको स्लो सैंड फिल्टर इज एबल टू रिमूव विथ परसेंट ऑफ द वैक्टर एन वाटर यही फायदा है ये देखा गया कि 98 से 99 परसेंट वैक्टर को रिमूव कर देता है स्विमिंग पूल का नाम याद रखना भाई स्विमिंग पूल से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि स्विमिंग पूल में जो है कौन सा फिल्टर को यूज किया जाता होगा तो आप कहेंगे कि सर प्रेसर फिल्टर का क्योंकि जल्दी से आपको करना है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका ज्यादा रहता है लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर यूज बाई द इंडियन रेलवे भाई इंडियन रेलवे का आपका क्या होता है कि आपका पहले टिम्बर के यूज करता था टिम्बर मैं लकड़ी के लेकिन उसमें दिमक लगता था लेकिन अब जनरली आपके प्रिस्टस कॉन्क्रीट के स्लीपर अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि नाव अडे कौन सा स्लीपर यूज़ किया जा रहे हैं रेल्स के नीचे जो बिछाए जाते हैं स्लीपर तो आपके प्रिस्टस कॉन्क्रीट के बिछाए जा रहे हैं लेकिन ध्यान रखना कास्ट आयरन के भी बिछाए जाते हैं जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंडियन रेलवे यूज़ करता है सी एस टी नाइन कौन सा सी एस टी नाइन दोस्तों तो आज की सभा को यहीं पर ख़त्म करते हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 10 प्रोबेबली लगभग लगभग मुझे लग रहा है 99 नाइन परसेंट प्रॉबेबलिटी ये है कि हम 10 तारीख को 10 दिसंबर को अगले दो दिन बाद हमारा फाउंडेशन कोर्स आने वाला सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें सभी सब्जेक्ट अभी मोस्टली मैं अभी डील करूंगा ठीक है तो आप सभी लोगों को जो भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहता है डिटेल इन द सेंस मतलब जीरो स्तर से जिसको कुछ भी पता नहीं है सिविल का सी नहीं आता तो उस लेवल से शुरू होगा तैयारी लाइव क्लास रहेगी ठीक है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे ई जेई का थैंक यू वेरी मच थैंक्स टू ऑल